हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है, सबके मंगल भव की कामना के साथ। दोस्तों, 9 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, स्वाति नक्षत्र शोभन योग और कौलवकरण, और कौलवकरण करण दोस्तों 11 होते हैं, उसमें कौलवकरण भी होता है। पुराने समय में राजा लोग जो हैं मुकुट उगर उगर इस प्रकार के प्रयोजन करते थे, अच्छी चीज़ों को पहनते थे, उसी में कौलवकरण भी का योग होता है। शनिवार और पूर्व दिशा शूल है, पूर्व दिशा में जाना दोस्तों। आज शनिवार के दिन मनाही है और दिशा शूल है, और इस दिन उत्पन्ना एकादशी व्रत वैष्णव समुदाय के लिए, जबकि ग्रह ग्रस्त वाले जो हैं उत्पन्ना एकादशी का पारण करके करते हैं। जो कल व्रत थे वे दोपहर 1:16 तक पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। और सूर्योदय दोस्तों आज 6:43 और सूर्यास्त 5:13। इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग का पंचांग की शुरुआत है, आज की दिन की शुरुआत है, शनिवार का दिन है। दोस्तों हमारे जीवन में शनिवार का दिन शनि को समर्पित होता है। शनि देव किसी भी व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देने वाले होते हैं, और शनि को प्रसन्न करने के लिए पूजा है, व्रत है, उपासना हम लोग बड़े विधि विधान से करते हैं, और शनि देव के नाम पर अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, जिससे हमारे शनि हमारे जीवन में दोस्तों 3 बार 7.5 की महादशा आती है, जो प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार अवश्य आती है। और उस 7.5 के दौरान हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हीं उतार चढ़ावों से ये परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन को जब परेशानी या मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, किसी प्रकार की व्यथा आती है, तो उसको सही करने के लिए हमें अनेक प्रकार की शनिदेव की उपासना करनी चाहिए और व्रत ध्यान पूजा पाठ और पीपल के पेड़ पर शनिदेव की प्रतिष्ठा कर आराधना और सरसों का दीपक जला करके अनेक प्रकार से शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों पीपल जो है पवित्रता का सूचक होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा में दोस्तों भगवानों का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है, और हमारे विज्ञान वैज्ञानिक भी पीपल के पेड़ की बड़ी महत्ता का गुणगान करते हैं। इस दिन दोस्तों हमें नमक कभी नहीं खरीदना चाहिए, और काली उड़द का दान करना चाहिए, काले वस्त्रों का दान करना चाहिए, काले रंग के काले रंग की चीज़ों का दान करके हम शनिदेव को मना सकते हैं, शनिदेव की उपासना कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का हमेशा ही मैं बताता हूँ दोस्तों, शनिवार को हनुमान चालीसा का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी का शनिदेव से बड़ा गूढ़ रहस्य माना जाता है। कलयुग के ये अवतारी देवता हैं, कलयुग में शनि का प्रभाव बहुत है दोस्तों। इसी प्रकार हनुमान जी को भगवान परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिनका जिनके प्रसंग का हम वृतांत करते हैं, तो उन्होंने भी राम यानी हनुमान जी को कलयुग के अवतारी के रूप में हमेशा अमरत्व का वरदान दिया हुआ है। तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना और शनिदेव की ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः
ओम सम शनिश्चाय नमः। इस प्रकार शनिदेव क्या आप शनिदेव का ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए और 108 बार दोस्तों ओम शनिश्चाय नमः, ओम शनिश्चाय नमः, ओम शनिश्चाय नमः, ओम शनिश्चाय नमः। तो शनिदेव का ध्यान करने से हमारे जितने भी अमंगल होते हैं वह मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। शनिदेव दोस्तों, हम सरसों का तेल शनिदेव पर हमेशा दीपक जला करके और शनि जो हैं तेल उनको अर्पण किया जाता है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के हमारे शास्त्रों के विधान हैं। शनिदेव जो है हमारे कष्टों का निवारण करते हैं और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, न्याय के देवता होते हैं। अन्याय से, अधर्म से, अत्याचार से, अनाचार से जो भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के जो इस प्रकार के चरित्र करता है, इस प्रकार के गलत कार्य करता है, शनिदेव उसको कभी भी माफ नहीं करते। इसीलिए हमें अपने जीवन को न्याय का पथ अपनाना चाहिए, सत्य की का पथ अपनाना चाहिए और प्रत्येक मानव जाति के लिए, मानव मात्र के लिए न्याय की भावना से अपने जीवन का वृतांत बनाना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। न्याय हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यानी हमको अनेक प्रकार के अपने जीवन में जितने भी कर्तव्यों का निर्वहन हमको करना पड़ता है, अपने कार्यों में हमको न्याय को हमेशा न्याय का सम्मान करना चाहिए, न्याय के साथ चलना चाहिए। वही कलयुग में भी दोस्तों न्याय, अन्याय से न्याय की तरफ बढ़ना और न्याय के लिए जीवन को सार्थक बनाना, अगर हमारे अंदर न्याय होगा, किसी प्रकार का अनाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा और किसी की बुराई के भाव नहीं होंगे तो शनिदेव अवश्य, और शनिदेव शनिदेव शनिवार को दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमको किसी भी असहाय वृद्ध जिसको ज़रूरत है उसको दान पुण्य करना चाहिए, उनकी सेवा भाव करना चाहिए, जानवरों की प्राणियों की सेवा करनी चाहिए और जो भी असहाय हैं वृद्ध हैं उनको भोजन कराना चाहिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनको जो है दान पुण्य करके शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। शनिदेव दोस्तों जब हम किसी इस प्रकार के और किसी प्रकार के बुराइयों और को अनादर किसी का नहीं करना चाहिए और दुर्व्यवहार से बचना चाहिए और लोहा दोस्तों शनिवार को कभी नहीं खरीदना चाहिए और ख़ास तौर से खिचड़ी का सेवन शनिवार को करें तो बहुत ही अच्छा है, वह हमारे पाचन क्रिया को भी सही करता है। शनिदेव जो है उसके उस भोजन को करने से हमारे अंदर सात्विक भावों का प्रादुर्भाव आविर्भाव होता है और जैसे काले कुत्ते को है, अगर आपका शनि गलत चल रहा है, किसी में 7.5 आती है आई हुई है तो, और दोस्तों हमारे जिस प्रकार के हमारे ग्रहों की दशा होती है, कभी कभी विपरीत समय आता है तो उस समय में हमको अनेक प्रकार की बुराइयों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों शनिदेव जो हैं कर्मफल के दाता हैं। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे, अगर हम न्याय मार्ग से चलेंगे, अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे और बहुत ही और उसमें पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करेंगे तो शनिदेव हमको अवश्य न्याय प्राप्त करेंगे, न्याय हमको प्रदान करेंगे। हर एक कार्यों में हमको न्याय मिलेगा और हम किसी कार्य को करने में समर्थवान होंगे इस सृष्टि में दोस्तों। और शनि जो हैं भाग्य और जीवन का के कारक हैं और सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के जो है नहीं रह सकता है। एक छोटा सा प्राणी होता है, थोड़ा सा जीव होता है और वह भी कभी अकर्मण्यता जो है वह भी कभी व्यर्थ नहीं बैठता है अपने भरण पोषण करने के लिए, अपने जीवन को जीवन के आनंद को सुखमय बिताने के लिए कर्म करता रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा प्रदेशो कर्म।
और आचरण। कर्म कर्म ही हमारे हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार होना चाहिए, और अच्छे कर्म जिनको करने से हमें कभी भी भय का एहसास नहीं होता है और शांति और चैन की नींद आती है। हमारे अंदर में बुरे भावों का बुरे भाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, अच्छे भावों का सृजन होता है, और हम किसी प्रकार के कार्यों में भी कोई फैसला लेते हैं निर्विवाद रूप से, हम उस फैसला लेकर के अपने अपने कार्यों को सफल करते हैं। दूसरा, परम ब्रह्म परमेश्वर यानी परम परमेश्वर जो हैं वह हमें जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों की यानी कार्यों को बुरे कार्यों के बीच में किस प्रकार के कार्य को करने से क्या फल प्राप्त होते हैं उसके उसकी उसकी अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें शुभ व अच्छे कर्मों को करने से करने की इच्छा अपने अंतःकरण में रखनी चाहिए। बुरे कर्मों से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं और हमारा वर्तमान और भविष्य जो है खराब होता है। दोस्तों, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, संचित कर्म प्रारब्ध हमारे प्रारब्ध को हमेशा बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा कर्म दान है दोस्तों, और कर्म सबसे उत्तम है। कर्मफल तथा कर्मफल की आसक्ति हमारे अंतःकरण में अगर होगी तो हमें ईश्वर सच्चे कार्यों की प्रेरणा के लिए अग्रसर ईश्वर की उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वास्तविक रूप से अगर हम सोचें तो ईश्वर जो है दोस्तों हमको अनेक प्रकार के कर्मों इस विश्व में तभी कहा है दोस्तों विश्व प्रधान रचि राखा जो जस करें तस फल चाखा। तो विश्व प्रधान फल रचि राखा जो जस करें तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसे फलों को प्रदान करेगा। तो भगवान यानी परमात्मा के ऊपर ईश्वर का विश्वास होना चाहिए। कर्मण्ये वा अधिकारस्तु मा भजेद्वयम्, तभी कहा है दोस्तों कर्म के बारे में कहा है, कर्म में कहा है दोस्तों परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्त शिष्यसि बने मुखे मृगा। जब तक सोया हुआ शेर जो है वन में सोया हुआ शेर अपने कर्म करके पूरे जंगल में भ्रमण करके अपने शिकार को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मानव जो है अपने कर्म क्षेत्र में जब तक नहीं कूदता है, वह चारों तरफ अपने हाथ पांव नहीं मारता है, अपनी बुद्धि को नहीं लगाता, अपने कर्मों शारीरिक और मानसिक कर्म नहीं करता है, तब तक उसको किसी भी प्रकार के फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तो अगर हम अपने कर्मों को सार्थक रूप से करेंगे तो शनिदेव की ऐसी कृपा होती है कि वह हमको कर्म फलों के अनुसार न्याय मार्ग में न्याय मार्ग के लिए हमको अग्रसर करते हैं और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस कर्म के यानी कर्म के इस प्रकार दोस्तों कर्म के अनुसार ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी मानव जीवन को कर्म करने के लिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करें तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने भी अनेक जगह रामचरितमानस में कर्म को प्रधानता दी है। हम जब गीता का अध्ययन करते हैं, गीता में भी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा यही शिक्षा दी कि बिना कर्म के हम अपने जीवन क्षेत्र को मैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम बिना कर्म के बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते हैं।
असफलता में ही सफलता के बीज होते हैं, उन बीजों को हमको उजागर करके कर्म के भाव को जगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए अपने जीवन को कर्म के प्रभाव से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बालकांड के प्रकरण में तुलसीदास जी ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में प्रवेश करते हैं, अनेक जगहों पर विचरण करते करते जब वह वन में आगे बढ़ते रहते हैं तो वाल्मीकि जी के आश्रम में उनका प्रवेश होता है। वहाँ पर वह विश्राम करते हैं, वहाँ की छटा को देख करके, मुनि के आश्रम को देख करके और वहाँ की प्राकृतिक छटा को देख करके, जो मुनि का निवास स्थान था वह सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल जहाँ पर था उसको देख के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार हर्ष की अनुभूति हुई। जहाँ पर सरोवरों में यानी सुंदर जो तालाब थे, पानी के स्रोत थे, कमल और वनों के वृक्ष फूले हुए थे, कमल और वनों में जो है अनेक प्रकार के वृक्ष फूले हुए थे और मकरंद का रस भौरे बड़ी गुंजायमान के साथ सुंदर गुंजार कर रहे थे और बहुत से पशु और पक्षी कोलाहल करके प्रसन्न मन से इधर उधर विचर रहे थे, यानी प्राकृतिक छटा का तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आकर के अपार जिस प्रकार भरद्वाज जी के आश्रम में वो गए, उन्होंने विश्राम किया, उसके बाद जब आगे प्रस्थान करते हैं तो अनेक प्रकार के नगर हैं, नर नारी पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी प्राकृतिक छटा है और जीव चर और अचर जीव जो हैं सभी आनंद की अनुभूति करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अनेक प्रकार से उनके मन में मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि कौन से ऐसे माता पिता हो गए जिन्होंने ऐसे सुंदर राजकुमारों को जन्म देकर इनको वन में भेज दिया। कोई ये भी कहते हैं कि यदि राजा यदि वह माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इनको वन में भेजा और वन में अनेक प्रकार के जो हजारों सालों से भक्ति करते हुए ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, वह लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जो है वन में चलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामधन जी के दिव्य दर्शनों का आनंद ले रहे हैं और उनके शरीर को देख रहे हैं, साकार रूप में हम उनके दर्शन कर रहे हैं और हमारे अंदर आस्तिक भावों का संचार हो रहा है। इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। तब पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर, वाल्मीकि जी का आश्रम देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित होते हैं और रघुकुल श्रेष्ठ रघुकुल के शिरोमणि सूर्यवंश के कुलश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि उनको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपार हर्ष की अनुभूति होती है। परमेश्वर के दर्शन मुनि वाल्मीकि करते हैं। दोस्तों जब परमात्मा हमारे अंतःकरण में साक्षात दर्शन करने आए हैं तो वाल्मीकि को अपार हर्ष हुआ और उनके जीवन में जो उनकी भक्ति थी, भाव थे, उनके अंतःकरण में जो इतने लंबे समय से वह तपस्या कर रहे थे तो परमात्मा ने उनको साक्षात दर्शन दे करके उनको अहोभाग्य किया और इस संसार के जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए उनको मुक्ति प्राप्त की। दोस्तों इस रामचरित मानस को इस सृष्टि में और आज भी कलयुग में भी हम जिसका अध्ययन करते हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वाल्मीकि जी का ही प्रसाद था जिनको इस प्रकार का ज्ञान
भगवान ने प्राप्त किया, जिससे उन्होंने राम से मानस की रचना की, और तुलसीदास जी ने उसी रचना को विस्तार से प्रत्येक मानव के अंतःकरण में संचित करने के का प्रयास किया। और अभी तक रामचरितमानस जो है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे आध्यात्म के अनुसार और पूरे विश्व में दोस्तों अभी रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसकी महिमा अपरंपार है, इसकी रचना को कोई भी व्यक्ति इसको इसके बारे में किसी प्रकार के अपवाद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। अगर हम मन वचन और कर्म से और विश्वास के साथ किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, वह हमारे लिए हमारी सफलता और मानव जीवन के उत्थान के लिए, भक्ति भाव के लिए, आस्था के लिए पवित्रता का सूचक हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस हमारे जीवन को अनेक प्रकार से सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करता है और मानवीयता के भाव, आदर्श भावों को हमारे अंतःकरण में विराजमान करता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का मार्मिक हृदय स्पर्शी अध्ययन किया है, रचना की है। तब ऋषि वाल्मीकि जी मुनि कहूँ राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर देख राम सभी नयन जुड़ानी करि सम्मान आसमियानी। तब जब वाल्मीकि जी के आश्रम में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का प्रवेश होता है, मुनि उनको देखते हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री रामचंद्र जी मुनि को दंडवत किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी माता पिता गुरु और प्रजा, ये उनके मुख्य स्रोत थे, जिनको वह जीवंत अपने जीवन के का आधार समझते थे। और बिना गुरु के किसी भी प्रकार की मर्यादा को जीवित करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी मानव रूप में अवतरित होकर के वाल्मीकि जी के आश्रम तक पहुँचते हैं और मर्यादा के अनुसार उन्होंने मुनि वाल्मीकि को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी जो है, जिन्होंने अपने भक्ति को भक्तिभाव से भगवान का के सानिध्य अपने सानिध्य में भगवान राम जी को ले गए। वहाँ पर भी उन्होंने मर्यादा का गुरु कुल की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। भगवान को अगर हम भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त करते हैं, तो उसका ज्ञान हमको गुरु ही प्रदान करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो भगवानों ने भी हमको गुरु की महिमा का वर्णन कराया। इसी प्रकार उन्होंने दंडवत किया और आशीर्वाद विप्रवर देना, विप्रश्रेष्ठ मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और देख राम छवि नयन जुड़ाने, श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र में शीतल हो गई, उनको जो आज उनकी भक्ति जो है पूर्ण रूप से सफल हो गई। दोस्तों जब हमारे अंतःकरण में हम किसी भी कार्य को लंबे समय से करते हैं, मान लीजिए कोई साधक है, वह अपनी साधना को लंबे अंतराल से करते रहते हैं और उनकी साधना तभी परिपूर्ण होती है जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यानी वाल्मीकि जी जब राम जी के उनको साक्षात दर्शन हो जाते हैं, उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं, तो उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है। जब मानव का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो उनके अंतःकरण की जो ज्वाला है वह शांत हो जाती है, उनका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाता है,
और वह जिस चीज की इच्छा कर इच्छा वह प्रण उनके संकल्प उनके हृदय में रहता है वह परिपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वो अंतःकरण में उनका भगवान राम जी विराजमान थे और उन्होंने करी सम्मान आश्रम ही आने तब सम्मान पूरा मुनि उन्हें आश्रम में ले आए और मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाई कंद मूल फल मधुर मगाई शिव स्वामित राम फल खाई तब मुनि आश्रम दिए सुहाई। मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाई तब मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मूल और फल मंगवाई और सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी फलों को उन्होंने सेवन किया उनको ग्रहण किया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतलाया। मुनि के आश्रम में जो स्थान था पवित्र जगह थी वहाँ पर रामचंद्र जी को यानी परमात्मा के उनको साक्षात दर्शन हो गए और हर एक व्यक्ति की दोस्तों मुनि जब हजारों सालों से अपनी तपस्या कर रहे थे तो उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया मर्यादा भगवान का की महिमा भगवान अवतरित हो गए अपार हर्ष का विषय था वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल नई निहारी तव कर कमल जोर रघुराई बोली वचन सुन सुराई। तब जो है मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी महान मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने के मन में बड़ा भारी आनंद होता है। दोस्तों जब परमात्मा दर्शन देते हैं अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण हैं जब हम हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है। हम लोग कितने लोग ऐसे होते हैं जो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं जिनको भगवान की भक्ति में आस्था होती है रात दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं मन वचन और कर्म से अपने फलों की प्राप्ति करते हुए कर्म फलों की प्राप्ति से वास्तविक ज्ञान को संचित करते हुए भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसी प्रकार के भाव जो है आनंद की अनुभूति वाल्मीकि जी को भी होने लगी। तब रघुराम जी ने के कमल सदृश हासों को जोड़कर और कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। अब रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से वाल्मीकि मन आनंद भारी वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि के अंतःकरण में अत्यंत आनंद का आभास हुआ मंगल मूल नई निहारी उनके स्वरूप को देखकर उनके दिव्य दर्शन को देख के उनके साकार रूप को देख कर के भगवान राम जी अपार हर्ष का यानी वाल्मीकि जी अपार हर्ष का टकटकी लगा करके ब्रह्म को देख ब्रह्म में लीन हो गए। तब कर कमल जोर रघुराई तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में वाल्मीकि जी के साथ के पास अवतरित हुए हैं। तब वह हाथ जोड़ के कहते हैं बोली वचन सुवर्ण रघुदारी सुख देने वाले हमारे अंतःकरण में जो हम अगर कोई चीज़ बोलते हैं दोस्तों अगर हमारी वाणी में मधुरता होगी हमारे अंदर ज्ञान होगा हमारे विचार अच्छे होंगे हमारी सोच होगी तो वही परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तब भगवान रामचंद्र जी ने उनको अपने आशीर्वचन दे करके अपने भावों से सुंदर वाणी में वाल्मीकि जी से क्या कहते हैं तुम त्रिकाल दर्शी मुनिना था विश्व बदन जी में तुमरे रहा था अस कही प्रभु सब कथा बखानी जेई जेई भांति दीन बनु रानी। तब वह कहते हैं बिनु रानी बनु रानी यानी तुम त्रिकाल दर्शी मुनिना था हे मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी हैं तीन कालों के दर्शन देने वाले हैं संपूर्ण विश्व बदर जिमी तुम्हारी हथा संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वीर के समान है और अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कहकर जिस जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तब परमात्मा परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी दोस्तों अपने मन की बातें अपने मन की सोच अपने भाव
जब वह वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं तो जिस प्रकार से उनको वन भेजा गया, केकई और रामचंद्र के बीच में जिस प्रकार का विस्तार था, कैसे उनको वन भेजा गया, उसका पूरा वृत्तांत उन्होंने बड़े सार रूप में वाल्मीकि जी को बताया। तात वचन पुनि मातु हितो भाई भरत मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य। तब कहते हैं और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसी स्नेह और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरी पुण्यों का प्रभाव, कर्म फलों का प्रभाव है, मेरी पुण्य का, जो मैंने पुण्य खा लिखे हैं। तो मैंने क्या क्या किया, पिताजी की आज्ञा का एक एक ओर जहाँ मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, दूसरी ओर माता का हित और भरत जैसी स्नेह और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ऐसे ऋषियों के दर्शन प्राप्त करना, जो अनेकों वर्षों से तपस्या करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इस वन में तपस्या कर रहे हैं, आज मुझे उनके दर्शन हो गए हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी मानव रूप में अवतीर्ण होकर के वाल्मीकि जी को अपना आराध्य गुरु समझते हैं, समझ रहे हैं, उनके भावों को जान रहे हैं, अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मर्यादा के उपासक कहा जाता है, मर्यादा के निर्माता कहा जाता है, और वह अंतर्यामी हैं, हर व्यक्ति के मन के भावों को जानने वाले हैं, इतनी शक्ति। और जिस प्रकार से कि कई ने उनको वनवास दिया, पूरा वृतांत तो उन्होंने पूरा बताया। और तात वचन पुनि मातु हितो, इस प्रकार उन्होंने कहा कि माता पिताजी की आज्ञा का पालन करना, माता जी के हित और भरत जी को राजगद्दी प्राप्त करना और आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है, इसीलिए मैं वन में विचरण कर रहा हूँ। 14 साल का वनवास लेकर के अनेक प्रकार के पुण्यों को मैंने प्राप्त कर लिया है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे भई सुबत सब सुबल हमारे, अब जहाँ रावर आयुष होई मुनि उत बेग न पावे कोई। हे मुनिराज, तब रामचंद्र जी फिर कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं और हमें सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, यानी जो आपकी आज्ञा हो, जो भाव आपके अंतःकरण में विराजमान हो, उनका सहर्ष जो है मैं उसको प्राप्त करूँगा। मुनि तापस जिन तें दुखलाई ते नरेश बिन पाव कद है, मंगल मूल विप्र परितोषु दहाई कोट कुल भूषण रोषु। तब कहते हैं मुनि तापस जिन तें दुखलाई, क्योंकि जिनके मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते। किसी भी राजा के राज्य में दोस्तों, गुरुओं का, मुनियों का, तपस्वियों का अगर हम सम्मान नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, कोई भी राजा अगर इस प्रकार के अपने गुरु बंधु का हमारे आध्यात्म में, हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में गुरु का मान बहुत ही श्रेयकर होता है। और जो कुल गुरु होते हैं दोस्तों, बिना कुल गुरु की राय के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मी श्री गुरु। तब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी कहते हैं क्योंकि उनके मुनि और तपस्वी दुख पाते, अगर कोई राजा के मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं तो वह राजा जो है जलकर भस्म हो जाते हैं, उन राजाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे लंगापति रावण थे,
उनके राज्य में अनेक प्रकार के मुनियों का नाम ही नहीं था, सब लोग राक्षसी अवतार में थे। केवल एक विभीषण जो है वह एक छोटी सी कुटी बना के लंका में रहते थे। जब हनुमान जी ने और रामचंद्र ने उनकी तपस्या को देखा, हनुमान जी ने केवल उनकी कुटी को उन्होंने बताया और पूरी लंका को जला के दहन कर दिया। तब ब्राह्मणों का तब क्या होता है दोस्तों, मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। अगर किसी भी राजा के राज्य में ब्राह्मण जो परम पूज्य होते हैं, आजकल के कलयुग के ब्राह्मण और सतयुग द्वापर त्रेता के ब्राह्मणों में बहुत अंतर है दोस्तों। उनके अंदर जैसे जैसे आदमी परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, विषमता ऐसी आ गई, तो ब्राह्मणों की मान मर्यादा आज केवल औपचारिकता रह गई है। जो ब्राह्मणों की शक्ति होती थी, ब्रह्म जो इस प्रकार के ब्राह्मणों की मान मर्यादा होती, जो उत्तम पुरुष है उसको ब्राह्मण माना जाता है, कोई जात धर्म नहीं है। उत्तम पुरुष को जो जिसके कर्म अच्छे होते थे वह ब्राह्मण होता था। ब्राह्मण जिसके कर्म अच्छे हैं, जो अच्छे कर्म को करते हैं, भगवान पर निष्ठा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी की मंगल कामनाओं की कामना करते हैं, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मणों का कहने का मतलब है ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। आज जो है दोस्तों कलयुग में ब्राह्मणों का रूप बदल दिया है, जाति प्रथा जाति रूप में परिवर्तित कर दिया है, जो हमारे समाज को विक्षिप्त कर रहा है, हमारे समाज को खराब कर रहा है। उत्तम विद्या वाला, उत्तम बुद्धि वाला, उत्तम ज्ञान वाला जो व्यक्ति है वह न किसी धर्म से मतलब है, किसी संप्रदाय से मतलब है, वही आदमी वही ब्राह्मण कहलाने लायक है, वही श्रेष्ठ है, वही उसी पर भगवान की भी आस्था होती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने क्षत्रिय कुल में जन्म क्यों लिया, और इस प्रकार कृष्ण भगवान ने कहाँ जन्म लिया। तो दोस्तों जहाँ पर मर्यादा होती है, जहाँ पर ब्राह्मण उत्तम पुरुष जो होता है, जिनके जो प्रतापी लोग होते हैं, जो यशस्वी लोग होते हैं, और जो इसीलिए ब्राह्मणों का मतलब ही यही है दोस्तों। ब्राह्मण का मतलब यह है कि सत्य की उपासना करने वाला, सत्य धर्म पर चलने वाला, अपने लक्ष्यों को सही ढंग से करने वाला, किसी प्रकार के जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। परम ब्रह्म परमेश्वर आज रामचरितमानस में अनेक प्रकार लोग जो है ढोल गंवार शूद्र पशु आदि सकल ताड़ना के अधिकारी इसमें जो है अपवाद करते हैं, अनेक प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं। तुलसीदास जी ने इस बात की वास्तविकता को कोई समझ नहीं पाया। वास्तविक भाव उनको कहने की क्या थी, अगर उनका जब प्रकरण आएगा, प्रसंग आएगा दोस्तों, उसका वास्तविक भाव क्या है वह भी प्रसंग में आएगा। तो कोई भी चीज़ इस ग्रंथ के अंदर मर्यादा के प्रतिकूल नहीं है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब दोस्तों मानव ने इस प्रकार से बनाया है, और उनकी क्या क्या वास्तविक उनकी परिभाषा है इसको मानव नहीं जान पाया। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रयास किया है कि उत्तम पुरुष जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसके भाव अच्छे हैं, जिसकी सोच अच्छी है, जो अच्छे कर्मों को करता है, उसको ब्राह्मण का पद दिया। कोई जाति से धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म सबका एक है। अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं हमारा धर्म सब एक है, हम सनातन धर्म को मानते हैं हमारा धर्म एक है। तो मानव जीवन में कोई भी मानव अगर किसी आज तो धर्म बनाएंगे, मानव मात्र ही ब्रह्म है दोस्तों। हमारे जीवन में कोई जाति नहीं होती है, जाति कुछ है ही नहीं। हमारे अंतःकरण में केवल मानवता सबसे बड़ी चीज है। तुलसीदास जी ने मानवता को चेता, उसको उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया कि उसका अर्थ लोग नहीं समझ पाए, इसलिए लोग जो है उसमें भ्रांति पैदा होती है। अभी भी अनेक प्रकार के लोग जो है इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं कि ये तो सोचा समझा है, ये मन ऐसा बनाया तुलसीदास ने, कुछ नहीं। हम उसकी वास्तविक भावों को, उसके अर्थ को नहीं समझ पाते।
अगर जिस दिन जो व्यक्ति उसकी वास्तविकता को जान जाएगा, वह उसके वो कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करेगा और ये कोई इस प्रकार के भाव व्यक्त नहीं करेगा। तो ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो भी सज्जन लोग होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो सच्चे धर्म पर चलते हैं, न्याय के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, जो जिनके लिए पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम के समान है, वही तो ब्राह्मण है, वही ब्रह्म 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 के समान है। ब्रह्म में जो लीन हो जाता है वही ब्राह्मण है। तो लोगों ने इसको गलत ढंग से परिभाषित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, इसीलिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के मुँह से कहलाया है, उनके इस प्रकार की रचना की है कि उन्होंने ब्राह्मणों की वास्तविकता को समझने की कोशिश की है। तब वही भाव जो है वाल्मीकि जी से कहते हैं, जिन्होंने हजारों साल तक वन में तपस्या की और रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, जब वो उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी तब उन्होंने अपनी भक्ति भगवान में वो लीन हो गई, ब्रह्म में लीन हो गई। इसीलिए दोस्तों वाल्मीकि अस जिया जनी कही सोई थाऊ शिय स्वामी तो सहित जहाँ जाऊ तहाँ रुचि रुचि रुचिर परन शाला वास करूँ वसुकाल पाला। तब ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ लक्ष्मण और सीता जी जाएँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु तुम कुछ समय निवास करो, यानी हे दयालु कुछ समय निवास करो, यानी यहाँ पर रहूँ, यहाँ पर विश्राम करूँ। इस प्रकार का मन भगवान ने बनाया और सहज सरल मुनि सुनी रघुपर वाणी साधु साधु बोली मुनि ज्ञानी अस न कहूँ अस रघुकुल केतु तुम पालक संतन सुत सेतु। तब कहते हैं भगवान की मर्यादा को जानते हैं श्री राम जी के सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले धन्य धन्य ही रघुकुल की ध्वजा स्वरूप, रघुकुल की शिरोमणि, रघुकुल की पताका और रघुकुल की ध्वजा के समान आप ऐसा क्यों कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन कर वेद की मर्यादा का की रक्षा करने वाले हैं, वेद की मर्यादा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तब कहते हैं श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की जोश जिति जग पालित हरित रुख पाय कृपा निदान की सो सहज शीशु अहिषु महिधर लखन सचाचर चराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चली दरस दलन खल निशिचर। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं। चार वेद होते हैं ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, और तो इस प्रकार दोस्तों यजुर्वेद यानी चार वेद जो होते हैं उनकी मर्यादा की ना जानते हैं, वेदों में जिस प्रकार का गुणगान है उसके बारे में जानते हैं। जानकी जी आपकी आपकी आपके स्वरूप भूता माया है जो कृपा के भंडार आपकी रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, और जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं, यानी रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी और सीता जी का पूरा वृतांत करते हैं। और लक्ष्मण जी दोस्तों लक्ष्मण जी जो है वह जो है शेषनाग के अवतारी हैं, सर्पों के स्वामी हैं और पृथ्वी पूरी धरती को उन्होंने अपने सिर के ऊपर धारण किया है, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया है, वही चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। अर्थात देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए, यानी अनेक प्रकार के जब उनको मालूम हुआ कि इस प्रकार के अवतारी लोग तीनों माता सीता जो है वह आपका आप यानी जगदीश्वर जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है जो कृपा के भंडार आपकी रूख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करने वाली है, और लक्ष्मण जी इस संसार के भार को अपने शेषनाग के अवतार में इस धरती को भार को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
तो देवताओं के कार्य के लिए आपने इस संसार में जन्म लेकर के मानव रूप में अवतार लेकर के और अनेक प्रकार के अनाचार अत्याचार अनीति और बुराई और बुराई बुराइयों की और धर्म की अधर्म की को धर्म के संचार के लिए अधर्म का नाश करके और अधर्म की स्थापना के लिए आपने इस संसार में जन्म लिया है और उसी लिए आप यहाँ पर आए हैं। इस संसार में इस वन में आप भ्रमण कर रहे हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। अनेक प्रकार के जो अत्याचारी दुष्ट राक्षस हैं उनका हमेशा के लिए नाश करने के लिए आप इस संसार में आते हैं। आपको धन्य है राम स्वरूप। तब कहते हैं वचन अगोचर बुद्धि परो, वचन अगोचर बुद्धि परो राम स्वरूप तुम्हार, नेति नेति ने निगम कहो अयुगत अगत अपार। तब वो कहते हैं हे राम, तब वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि जी पूरी भक्ति में भाव में परमात्मा के दर्शन के हो गए हैं। सीता राम लक्ष्मण और सभी की वास्तविक जो उनके वास्तविक उनका स्वरूप था उसका दिव्य ज्ञान करते हैं, उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं हे राम आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है, यानी आपकी वाणी इतनी मधुर है, बुद्धि के परे है, जो हमारी बुद्धि के परे है, हम आपके वास्तविक वाणी का की वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं, अव्यक्त हैं, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, अकथनीय है, जिसका कोई कथन वो हम उसके बारे में पूरी उपमा नहीं कर सकते हैं, और अपार है, जो कभी पार नहीं पाया जा सकता है, वह शक्ति आप में विराजमान है, वेद निरंतर जिसका नेत नेत कर हमारे खंड करें। इस प्रकार वेद हैं, शास्त्र हैं, मर्यादा है, आपका हमेशा के इस संसार में गुणगान करते हैं, ऐसे दिव्य स्वरूप परमात्मा के दर्शन वाल्मीकि जी को होते हैं और वह इस संसार में परमात्मा ने किस प्रकार किस कारण से जन्म लेकर के राजा के अवतार में लेकर के इस संसार की रचना को इस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया और सीता जी ने अनेक प्रकार के संसार के यानी इस संसार में अनेक प्रकार के जो सृजन है उनका सीता जी का स्वरूप इस संसार का सृजन करना पालन करना और संहार तीनों उनके हाथ में हैं और लक्ष्मण जो भाई हैं उनके वह जो है इस संसार में पूरी धरती के बोझ को भार को अपने शेषनाग के अवतार लेकर के इस धरती पर अवतरित हैं और परमहंस परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की सृष्टि में पल रहे अनेक प्रकार की दुराचारी अत्याचारी राजाओं का और राक्षसों का अंत करने के लिए जिन्होंने जन्म लेकर के इस वन में विचरण कर रहे हैं आज मुझे उनके दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार वाल्मीकि जी अपने अंतःकरण के भावों को अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करके परमात्मा के साक्षात दर्शन करते हुए इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। रामचंद्र की महिमा और राम लक्ष्मण और सीता की महिमा का गुणगान करते हुए अपने अंतः मन में भगवान का स्मरण करते हैं, भक्तिभाव से संचित हो जाते हैं और इस सृष्टि के अंदर परमात्मा के वास्तविक गुणगान करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं भावों से तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी के का वर्णन किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने किस कारण इस संसार में मानव रूप में अवतरित होकर के इस संसार में वन में विचरण कर रहे हैं उसका पूरा वृत्तांत प्रसंग है। सभी लोगों के मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें प्रसन्न रहें। आगे का प्रसंग कल। आज के ब्लॉग में बस इतना। सबका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सबके जीवन पर रहे। सब लोग स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें सबका जीवन उत्तम रहे भगवान का आशीर्वाद मिला रहे सबका।